जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और ऑप्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु कुमार और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं शार्प इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी के बारे में। शार्प इन्वेस्टमेंट कंपनी की कहानी क्या है, कहानी के बारे में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे भी जो जरूरी सवाल है कि यदि आपको इस कंपनी में लॉस हो रहा है तो उस लॉस की भरपाई कैसी होगी, उस तरकीब के बारे में बताऊंगा। साथ में यदि कोई नया व्यक्ति है जो इसमें फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो क्या उसे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा नहीं, और यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, करना सही रहेगा तो किस लेवल पर, यानी कि कब उसको इसमें एंट्री करना चाहिए, इसके बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो कुल मिलाकर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से और हर एक पहलुओं को छूते हुए इस वीडियो में चलेंगे। देखिए, यदि शेयर प्राइस की बात करें तो एक दिन में आप देखेंगे, चूंकि आज संडे है तो इसलिए इसमें कोई रिटर्न नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका जो शेयर प्राइस देखेंगे तो 1 रुपया 55 पैसे के आसपास अभी करंट में इस कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है। पिछले 6 माह में देखेंगे तकरीबन 18% के आसपास स्टॉक टूटा है। एक मंथ की बात करें तो एक मंथ में भी आप देखेंगे तकरीबन 5.5% के आसपास, और एक सप्ताह में देखेंगे तो 2.5% के आसपास स्टॉक टूटा है। यानी कह सकते हैं कि इन दिनों जो इस कंपनी में दौर चल रहा है, गिरावट का दौर चल रहा है। लंबी अवधि में देखेंगे तो लंबी अवधि में आपको स्क्रीन की वेबसाइट पर लेकर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि 5 साल में देखेंगे तो सिर्फ ये जो आप देख रहे हैं इसमें जो थोड़ा बहुत तेज़ी आया है, ये इस पिछले साल जनवरी 2022 की तेज़ी है। जनवरी 2022 में इस स्टॉक ने इस गिरावट के बाद हाई लगाया था, और ये हाई लगा कर गया था तकरीबन, आपको मैं बता दूँ, 6 रुपये के आसपास इसने हाई बनाया था। वहीं यदि एक साल में देखेंगे आप तो 1 साल से देखिए, जैसे मैंने बताया पिछले साल जनवरी में इसने अपना 6 रुपये का हाई बनाया था, उसके बाद से प्राइस कंटिन्यू डाउन गया है। अब जिन लोगों ने यहाँ पर एंट्री लिया होगा वो अभी लॉस में चल रहे होंगे। तो इन लोगों ने गलती क्या किया था कि कंपनी के शेयर प्राइस जब बढ़ रहा था, यानी कि बढ़ते हुए ग्राफ को देखकर इन लोगों ने कंपनी में एंट्री लिया था। तो जो लोग बढ़ते हुए ग्राफ को देखकर कंपनी में एंट्री लेते हैं उनको जाहिर सी बात है नुकसान होता है यदि उस समय पर प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं। खैर, जो हुआ सो हुआ, अभी देखिए अभी करना क्या है। एक बात आप समझिए कि ये शार्प इन्वेस्टमेंट कंपनी है, एक NBFC कंपनी है। NBFC कहने का मतलब होता है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो कई तरह का लोन देती है और उससे जो रिटर्न मिलता है उस कंपनियों की कमाई होती है। तो इसमें जो आप देखेंगे भारत में जितने भी NBFC कंपनियां हैं, खासकर जो छोटी कंपनियां हैं, जैसे इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो सिर्फ 37 करोड़ के आसपास है। इनके शेयर प्राइस में तेज़ी बहुत धीरे धीरे आती है। तेज़ी धीरे धीरे आने के पीछे की वजह भी ये एक वजह यह भी होती है कि इनका फंडामेंटल उतना मजबूत नहीं होता है। आप यहीं पर देख लीजिए कि इस कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है और जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, दोनों माइनस में है। मतलब ये 0.5% भी नहीं है, माइनस में है। तो ये जब तक माइनस में रहेगा तब तक शेयर प्राइस में तेज़ी नहीं आ सकती है, ये बात आप मानकर चलिए। इसके अलावा देखेंगे तो कंपनी का एक अच्छी बात यह है कि इसका बुक वैल्यू निगेटिव नहीं है, बुक वैल्यू पॉजिटिव में है, 1.17 है। हालांकि ये यदि 2 रुपये के आसपास होता तो थोड़ा बढ़िया होता, लेकिन कंपनी का शेयर प्राइस बने बुक वैल्यू से ज़्यादा है, ये एक काम की बात है, यानी कि अच्छी बात है। जब आप यहाँ पर देखेंगे इस कंपनी का प्रोज क्या है, तो इसमें सिर्फ एक ही प्रोज है, कंपनी डेट फ्री है। जबकि आप कौन में देखेंगे बहुत सारे इसके निगेटिव बातें हैं, जैसे कंपनी का इंटरेस्ट रेट जो काफ़ी कम है, इसके अलावा इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो भी काफ़ी कम है, लगभग निगेटिव में है। अब देखिए, यहाँ पर कंपनी डेट फ्री है, इसके पीछे की वजह ये है, कोई भी कंपनी लोन कब लेती है, कर्जा कब लेती है, जब कंपनी का बिजनेस अच्छे से रन करता है। तो इस कंपनी का बिजनेस रन नहीं कर रहा है तो कंपनी लोन लेकर क्या करेगी। लोन लेने के बाद क्या होता है, कंपनियों को और ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होता है, जिससे उनका जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है वो उसको इंटरेस्ट पे करने में चला जाता है। इसलिए कंपनियां लोन लेने से बचती हैं, इस तरह की छोटी कंपनी जब उसकी कमाई नहीं हो रही हो, इसलिए इस कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है। कंपनी का सेल्स कई दिनों से हो नहीं रहा है। देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे हर एक क्वार्टर में इसका सेल्स 0-0-0 हो रहा है, सेल्स नहीं हो रहा है, यानी कि कंपनी का बिजनेस अच्छे से रन नहीं कर रहा है। बिजनेस अच्छे से रन करने के लिए जरूरी है कंपनी के पास पैसा होना। कंपनी का सेल्स नहीं हो रहा है तो कंपनी के जाहिर सी बात है प्रॉफिट भी नहीं होगा, कंपनी लॉस में है। तकरीबन 8 लाख की कंपनी अभी घाटे में चल रही है। अब जब लॉस में है कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो जाहिर सी बात है जिस बिजनेस में पैसा नहीं रहेगा बिजनेस नहीं चलेगा। आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं आपकी कंपनी के पास जो टोटल डेप्थ है एकदम 0-0 है, और थोड़ा बहुत इस कंपनी के पास लगभग 4 करोड़ के आसपास कैश पैसा, फ्री कैश फ्लो पड़ा हुआ है, लेकिन इसका यूटिलाइज कंपनी को करना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आप देखेंगे प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 46.12% है, जबकि पब्लिक की हिस्सेदारी 53.88% है। होल्डिंग के मामले में ठीक है, लेकिन ओवरऑल मेन जो वजह है, मैंने बताया कि इस कंपनी का फंडामेंटल एक कमजोर है, फंडामेंटल काफ़ी कमजोर है। फंडामेंटल मजबूत होता है तब आने वाले समय में इसके शेयर प्राइस में तेज़ी देखने को मिल सकती है। वरना अभी के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप हाफ शेयर को इसमें, जो मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि यदि आपके पास मान लीजिए 10 शेयर हैं तो आप उसमें से 5 शेयर को सेल कर दीजिए और 5 शेयर को होल्ड कर लीजिए। इससे होगा क्या कि यदि आपको जो भी लॉस हो रहा है वो तो जो लॉस हुआ उसकी भरपाई तो अभी लंबे अवधि में होगी, लेकिन फिलहाल 5 शेयर बेचेंगे तो कुछ भी पैसा आपको मिल जाएगा, और बाकी के 5 शेयर यदि होल्ड करके रखते हैं, यानी कि यदि आप हाफ शेयर होल्ड करके रखते हैं तो यदि ये कंपनी चल जाती है तो आपके जितने भी लॉसेस हुए हैं अभी तक रिकवर हो जाएंगे। तो बेसिकली इस कंपनी से रिलेटेड कोई खास अपडेट नहीं है जो मैं बताऊं, जो चीज़ें थी उसके बारे में मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।